दिल्ली में 24 फरवरी 2020 को दंगे भड़के थे। पुलिस ने चार्जशीट में ताहिर हुसैन समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया है। चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली हिंसा की पूरी तैयारी पहले से की गई थी। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में ताहिर हुसैन ने दंगे शुरू करवाए। दंगों की फंडिंग के लिए ताहिर ने 1,30,00,000 से ज्यादा पैसे खर्च किए। CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे लोगों से ताहिर ने बात की। जनवरी में ताहिर ने जामिया में उमर खालिद और खालिद सैफी से मुलाकात भी की। ताहिर हुसैन पर IB के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का भी आरोप है। दिल्ली में दंगों की खौफनाक साजिश पर यह खुलासा हुआ कि 24 और 25 फरवरी को ताहिर अपने घर पर मौजूद था। 24 फरवरी को ताहिर लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहा था। दिल्ली दंगों को लेकर जांच में पता चला है कि दंगों के दौरान दंगाइयों ने राजधानी स्कूल में गुलेल लगाई थी। उस स्कूल का मालिक फैसल फारूक निजामुद्दीन मरकज के प्रभावशाली लोगों के संपर्क में था। दंगे से एक दिन पहले वो देवबंद भी गया था। दिल्ली पुलिस की इस जांच के दौरान फैसल फारूक समेत कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फैसल फारूक PFI पिंजरा तोड़ जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के संपर्क में था। फैसल फारूक दंगे से एक दिन पहले देवबंद गया था। मौलाना साद का बेहद करीबी अब्दुल अलीम ब्रजपुरी में राजधानी स्कूल में हुए दंगों के मुख्य आरोपी फैसल फारूक से संपर्क में था। अब्दुल सलीम ओखला पश्चिम का रहने वाला है, मरकज प्रमुख मौलाना साद का करीबी है। जो चार्जशीट दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने दाखिल की है उससे ये बात साफ हो गई है। इसमें कहा गया है कि इशरत जहां और खालिद सैफी से जब मंडोली जेल में पूछताछ की गई तब खालिद सैफी ने इस बात को माना कि उसने पहले से ही इन दंगों की साजिश की थी, जिसमें इशरत जहां और खालिद सैफी का साथ जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के अमानुल्ला जामिया के कुछ छात्रों और लोकल लोगों ने दिया था। इस पूरे मामले में 11 जनवरी को एक मीटिंग की गई और CANRC के विरोध में पर्चे छापे गए। उसके बाद फिर उसी इलाके के मदरसे में इमाम वसीम की सरपरस्ती में वहाँ पर मीटिंग हुई, जहाँ पर स्थानीय महिलाओं को बुलाया गया और उन्हें भड़काया गया, जिसके बाद उनसे ह्यूमन चेन बनवाई गई और उसके अगले दिन ही ये लोग खुरेजी पेट्रोल पंप के पास धरने पर बैठ गए और वहाँ पर भाषणों के जरिए NTCA प्रोटेस्ट में महिलाओं को भड़काना शुरू किया। 23 फरवरी को इनको पता चला कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर आने वाले हैं, जिसके बाद अचानक से ही इन्होंने एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया और 25 तारीख को जगह जगह पर सड़क ब्लॉक करके और फिर उसका जब हटाया जाए तब उनको दंगों की शक्ल में तब्दील करने की साजिश रची गई। दिल्ली दंगों में जाकिर नाइक का कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी खालिद सैफी को सिंगापुर से पैसे भेजे गए थे जो उसके NGO के खाते में ट्रांसफर हुए थे। जांच में ये भी पता चला कि खालिद सैफी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान फंड जुटाने के मकसद से जाकिर नाइक से मुलाकात भी की थी।